जय हिंद साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस स्किल पे। साथियों, आज हम लेकर हाजिर हैं बीएड फर्स्ट ईयर के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन के साथ। लेकिन सबसे पहले हम बात करने वाले हैं साथियों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सी टू बोले तो कोर्स नंबर टू। जैसा कि आप जानते हैं, ये भी हम लोगों का एक सब्जेक्ट होता है। जैसे कि आप टेंथ क्लास में पढ़ते होंगे तो सब्जेक्ट होता होगा SST, हिंदी, इंग्लिश, उसी तरीके से आपका यहाँ पे एक सब्जेक्ट है C2 यानी कि कोर्स नंबर टू, जिस सब्जेक्ट का नाम है कॉन्टेम्प्रोरी इंडिया एजुकेशन। तो कॉन्टेम्प्रोरी इंडिया और एजुकेशन आपका ये सब्जेक्ट नंबर टू है, जिसको हम लोग कोर्स टू भी कह सकते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कोर्स नंबर टू को। सबसे पहले हम लोग बात करें कोर्स नंबर वन का, तो कोर्स नंबर वन में था चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। तो चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के सभी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन को दोस्त इस चैनल पे हम डिस्कस किए हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं साथियों कोर्स नंबर टू, जिसका नाम है कॉन्टेम्प्रोरी इंडिया और एजुकेशन। तो ये आपका कोर्स नंबर टू है, बोले तो ये सेकेंड सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट के बारे में ज़रा हम लोग सबसे पहले जाने, तो इस सब्जेक्ट में टोटल 5 यूनिट्स होते हैं। यानी कि टोटल इस सब्जेक्ट में यानी कि कॉन्टेम्प्रोरी इंडिया और एजुकेशन के यूनिट टोटल 5 हैं, और सभी यूनिट से 2 क्वेश्चंस आते हैं। यानी कि टोटल आपके बीएड फर्स्ट ईयर में टोटल इस सब्जेक्ट से टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे। यानी कि एक यूनिट से 2 क्वेश्चन, दूसरे यूनिट से भी 2 क्वेश्चन, यानी कि ऐसे 5 यूनिट से टोटल बन जाएंगे आपके 10 क्वेश्चंस। तो इस तरीके से आपको 10 क्वेश्चंस में आपको सिर्फ जवाब देना होता है 5 क्वेश्चंस का, और एक क्वेश्चन होते हैं 16 मार्क्स का। तो 16 मार्क्स एक क्वेश्चन पे, तो 16 × 5 यानी कि 80 मार्क्स का आपका टोटल थ्योरी होता है। तो कुल मिलाकर देखें तो टोटल 10 क्वेश्चन में से हम लोगों को क्वेश्चन का जवाब 5 का ही देना रहता है, और उसके लिए एक कंडीशन रहता है कि आप एक यूनिट से एक क्वेश्चन को जरूर दें। यानी कि एक यूनिट से 2 क्वेश्चन आते हैं, इससे भी 2 रहेंगे, इससे भी 2 रहेंगे, इससे भी 2 रहेंगे, इससे भी 2 रहेंगे, लेकिन ये दोनों क्वेश्चन में से किसी एक का जवाब देना है। यानी कि हर यूनिट से एक एक जवाब देना है, ये नहीं कि इससे 2 दे दिया, इससे 2, इससे 1 दे दिया तो 2×2=5 हो गया, तो ऐसे नहीं चलता है। एक यूनिट से एक क्वेश्चन कंपलसरी जवाब देना रहता है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि ये जो सब्जेक्ट है कॉन्टेम्प्रोरी इंडिया और एजुकेशन, इसमें पहला यूनिट का नाम है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट एंड एम्स ऑफ एजुकेशन। यानी कि हम लोगों को कॉन्सेप्ट का समझ होना चाहिए, और एजुकेशन का एम उद्देश्य, शिक्षा का उद्देश्य जो है, ये पहला यूनिट है। फिर बात करें दूसरा का, तो दूसरा है नॉर्मेटिव विजन ऑफ इंडियन एजुकेशन, यानी कि भारतीय शिक्षा का दृष्टि, यानी कि भारतीय शिक्षा को किस दृष्टि से देखा जाता है, तो ये नॉर्मेटिव विजन ऑफ इंडियन एजुकेशन ये सेकेंड यूनिट है। थर्ड यूनिट्स का बात करें तो फिलोसफिकल विजन ऑफ एजुकेशन एंड द फिलोसफिकल सिस्टम, ये तीसरा यूनिट है। और चौथे यूनिट का नाम है एजुकेशन थिंकर, और पांचवें यूनिट का नाम है कॉन्टेम्प्रोरी इंडिया स्कूलिंग। तो इस तरीके से आपका कॉन्टेम्प्रोरी इंडिया और एजुकेशन के टोटल 5 यूनिट हो गए। अब इस 5 यूनिट से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ज़रा हम लोग बात कर लेते हैं कि कॉन्टेम्प्रोरी इंडिया एंड एजुकेशन का सबसे मोस्ट वीवीआई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं। तो चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं कि इस सब्जेक्ट से कौन कौन से वे क्वेश्चन हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो कई बार पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग लेकर हाजिर हैं इस सब्जेक्ट से टॉप टेन क्वेश्चंस, जो कि एकदम डेफिनेटली बीएड फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम में आना ही आना है, एकदम कंपलसरी है, एकदम इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इस सब्जेक्ट यानी कि कॉन्टेम्प्रोरी इंडिया एंड एजुकेशन से मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन फॉर बीएड फर्स्ट ईयर के लिए हम लोग देखते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है साथियों शिक्षा के औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक माध्यमों को उदाहरण सहित व्याख्या करें। यानी कि शिक्षा के औपचारिक,
अनौपचारिक और निरौपचारिक, ये बिल्कुल एकदम कंफर्म है, एकदम आएगा ही आएगा साथियों। तो इस क्वेश्चन को आप एकदम डेफिनेटली एकदम पढ़ के जाएं और आप इस चैनल से बिल्कुल जुड़े रहें। हम सभी क्वेश्चंस का जो मोस्ट VVI अभी आपके सामने लेकर हाजिर हैं, इन सभी क्वेश्चनों का हम सॉल्यूशन कराने वाले हैं साथियों। तो इस चैनल से लगातार आप जुड़े रहिए। नेक्स्ट जो दूसरा क्वेश्चन है, आपके अनुसार शिक्षा की समझ क्या है, यानी कि शिक्षा का क्या परिभाषा है और आधुनिक युग में राष्ट्र के विकास के लिए शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए। तो ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन है जो कि VVI है। नंबर तीसरा, समानता, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय के संदर्भ में भारतीय संविधान में कौन कौन से प्रावधान हैं, यानी कि समानता, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय के संदर्भ में भारतीय संविधान में कौन कौन से प्रावधान हैं, इसकी विवेचना करना है, इसके बारे में बताना है। ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर फोर, शिक्षा आयोग, जिसको हम लोग कोठरी आयोग के नाम से भी जानते हैं, और ये कब पारित हुआ था, तो 1964 से 66 के बीच। तो शिक्षा आयोग से क्वेश्चन बिल्कुल बनते हैं, या इसको कोठरी आयोग भी कहते हैं। तो कोठरी आयोग की प्रमुख अनुशंसा करते हुए यह समझाने के प्रयास करें कि राष्ट्र विकास में इस आयोग की क्या योगदान है, यानी कि कोठरी आयोग का प्रमुख अनुशंसा करते हुए यह समझाने का प्रयास करना है कि राष्ट्र विकास में इसकी क्या योगदान है। ये क्वेश्चन नंबर फोर है। और नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव, दर्शन शास्त्र की परिभाषा दें, यानी कि दर्शन शास्त्र क्या है और इनका संबंध बताइए शिक्षा से। यानी कि ये क्वेश्चन नंबर फाइव, जो कि ये भी कई बार पूछे जाते हैं और कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले पूछे जा चुके हैं, तो दर्शन शास्त्र की परिभाषा दें एवं शिक्षा से इनका क्या संबंध है बताइए। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर सिक्स, प्रकृतिवाद से आप क्या समझते हैं। दोस्त, तीन ठो वाद याद रखना है, एक प्रकृतिवाद, अगला क्वेश्चन है आदर्शवाद और प्रयोजनवाद। तो आदर्शवाद तो कम वैल्यूएबल है, लेकिन प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप बिल्कुल याद रखिएगा, प्रकृतिवाद से आप क्या समझते हैं और आदर्शवाद पर प्रकाश डालें, और नंबर एट है प्रयोजनवाद का क्या अर्थ है विवेचना करिए। तो कुल मिलाकर ये आठ क्वेश्चंस तक के हम लोग देख लिए कि टॉप एट क्वेश्चंस हैं, प्रयोजनवाद, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन, महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के शैक्षणिक दर्शन को विस्तार पूर्वक बताइए। जी हाँ, ये भारतीय पुरुष हैं जो शैक्षणिक शिक्षा पर बल दिए हैं, जिनका नाम महात्मा गांधी है और रविंद्रनाथ टैगोर है। तो इन दोनों का ही शैक्षणिक दर्शन को विस्तार पूर्वक बताना है कि ये दोनों जो है शिक्षा पर किस तरीके से बल दिया और इन्होंने शिक्षा के बारे में कहाँ तक आगे बढ़ाया, शिक्षा को क्या बताया। ये क्वेश्चन नंबर नाइन था। फिर आगे बढ़े हम लोग, तो क्वेश्चन नंबर टेन, तो क्वेश्चन नंबर टेन कुछ इस तरीके से है। एक, ये तो भारतीय थे जो हम लोग पहले पढ़े क्वेश्चन नंबर नाइन में, कि महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर। उसके बाद हम लोग बात करें एक विश्व के जो हैं, यानी कि वर्ल्ड लेवल पे आते हैं या फिर अंतर्राष्ट्रीय बात करें, तो ये एक शिक्षा के बारे में है, जिनका नाम है फ्रोवेल या जॉन डीवी। तो जिस तरीके से हमारे भारत के महान पुरुष हैं महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये भी वैसे ही महान पुरुष के रूप में आते हैं, जिनका नाम है फ्रोवेल और जॉन ड्यूबी। तो इनके शैक्षणिक दर्शन को भी बारे में बताना है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल का बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल से भी क्वेश्चन आते हैं और भारतीय लेवल से भी क्वेश्चन आते हैं, भारत के महान पुरुष से भी जुड़े हुए क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो भारत के महान पुरुष को लेकर तो महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, और फिर बात किया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का तो फ्रोवेल और जॉन ड्यूई के बारे में पूछता है कि शैक्षणिक दर्शन को विस्तार से बताइए। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये तो थे टॉप टेन क्वेश्चन साथियों, ये टॉप टेन क्वेश्चंस थे, लेकिन इन टॉप टेन क्वेश्चंस के अलावा हम दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा जोड़ दिए हैं, इसकी भी संभावना रहती है एग्जाम्स के आने में। तो याद रख लीजिए, दो और क्वेश्चन को देख लेंगे आप लोग एग्जाम के प्रिपरेशन के टाइम। तो क्वेश्चन नंबर 11 है RTE 2009। RTE बोले तो RTE मतलब
अधिकार अधिनियम, शिक्षा के अधिकार अधिनियम आरटीई 2009, शिक्षा के अधिकार अधिनियम और उसके प्रमुख प्रावधान की व्याख्या करें। यानी कि शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम पारित किया गया था या संशोधन किया गया था 2009 में, उसके बारे में बताना है और उसमें क्या क्या प्रावधान किया गया है उसके बारे में बताइए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, समान स्कूली प्रणाली क्या है, इस प्रणाली को लागू करने के मार्ग में कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं, इस चुनौतियों को दूर करने के उपाय को बताइए। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 है, इस 12 नंबर क्वेश्चन में जो बोल रहा है कि समान स्कूली यानी कि इक्वी स्कॉलर सिस्टम क्या है इसके बारे में बताइए, और इस प्रणाली में को लागू करने के लिए यानी कि समान स्कूली प्रणाली जो है लागू करने में कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है, कौन कौन से चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और इन चुनौतियों को दूर करने के लिए क्या क्या उपाय हैं। तो साथियों, ये थे कॉन्टेम्प्रोरी इंडिया एजुकेशन के टॉप 10 क्वेश्चंस। हालांकि हम एक दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन जोड़ दिए हैं ताकि आप इन क्वेश्चंस को भी देख के जाएंगे, तो आप इस चैनल से जुड़े रहें। हम इन टोटल क्वेश्चंस का यानी कि आज जितने कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया एजुकेशन का टोटल जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किए, इन सभी क्वेश्चनों का आपको यहाँ पे सॉल्यूशन करा दिया जाएगा और अच्छे से समझा दिया जाएगा। आप इन चीज़ों को समझ जाएंगे तो आप खुद ही अच्छे से एग्जाम पेपर में लिख सकते हैं। तो साथियों, आप इस चैनल पे प्लेलिस्ट कॉन्टेम्प्रोरी इंडिया एजुकेशन से एक प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा और उस प्लेलिस्ट से आपको सभी क्वेश्चन का आंसर मिल जाएंगे। तो साथियों, ये थे टोटल टॉप 10, यानी कि हम दो एक्स्ट्रा जोड़ दिए हैं तो हमको टॉप 10 ही नाम दिए हुए हैं। तो टॉप 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ आज को हम लोग इस वीडियो को यहीं तक एंड करते हैं और फिर से हम अगले वीडियोज में मिलेंगे मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन के साथ। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।